It is rightly said that obstacles can't stop you. And to justify this phrase, we have Aditya Prakash Sharma with us, who has secured All India rank in Engineering Services 2023. First of all, Aditya, many, many congratulations. इतने बड़े एग्जाम में अंडर 10 रैंक लेके आना, इट इज अ वेरी टफ जॉब, बहुत ही मुश्किल माना जाता है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर टॉप 10 में रैंक सिक्योर कर रहे हो. सो हाउ इट हैपेंड, मतलब कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा आप अपने लर्नर्स को और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएंगे कि कहाँ से आपने अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रोसेस को या तैयारी को स्टार्ट किया. सर, मैंने सोच तो थर्ड ईयर से ही लिया था, लेकिन बिकॉज उस समय कोरोना आ गया तो मैंने प्रिपरेशन तो चालू नहीं करी थी. लेकिन जैसे ही 2021 में मैं पास आउट हुआ तो मैंने फिर स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन अपनी, और फिर उसके बाद से मैं अभी तक प्रिपेयर ही कर रहा था. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. तो आपकी ने ग्रेजुएशन 21 में कंप्लीट करी है? जी सर. ओके, कहाँ से करी ग्रेजुएशन आपने? सर, मैंने IIT इंदौर से करी ग्रेजुएशन. और वो कोविड वाला फेज था वो, जो जब आपने ग्रेजुएशन करी? यस सर, वो थर्ड और फोर्थ ईयर कोविड में निकल गया तो उस कारण थोड़ा हो नहीं पाया उस समय. अच्छा, तो वो एक कॉमन क्वेरी भी है काफी सारे एस्पिरेंट्स की, नहीं हमने कोविड से इंजीनियरिंग करी है तो इतना हम सीख नहीं पाए कॉलेज में, या इतना कमांड नहीं है हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर. क्या आपको भी ऐसी शॉर्टकमिंग लगी कि कोविड फेज में हमने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज या बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ है ना, प्रॉब्लम नहीं आती है. आप अगर आप है ना कॉलेज के बाद भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 90% लोग कॉलेज के बाद ही ढंग से तैयारी करते हैं. कॉलेज में आप है ना बेसिक सब्जेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाया और आप हार मान रहे हैं, वो भी नहीं है. ऐसा आप कॉलेज के बाद से कर सकते हैं. मैंने लगभग 95% तैयारी कॉलेज के बाद ही करी. मेरे बस बेसिक सब्जेक्ट जैसे सोम स्ट्रक्चर वो ठीक ठाक मुझे आते थे, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है वो मैंने कॉलेज के बाद से स्टार्ट किया. अगर आपको 8 महीने करीब मिल रहे हैं कम्प्लीटली कॉलेज के बाद प्री से पहले, तो आप है ना प्रिपेयर कर सकते हो और है ना एक रैंक लिस्ट में तो आ ही सकते हो. टॉप रैंक का नहीं वो है, लेकिन आप रैंक लिस्ट में आ सकते हो अगर आप 8 महीने ढंग से तैयारी करो तो. मतलब 7 से 8 महीने सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? यस सर, 8 महीने सफिशिएंट है. ओके, और कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपका इससे पहले कि डायरेक्टली आप बस इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अभी. ओके, अच्छा लास्ट अटेम्प्ट में क्या गलती हुई आपसे जिस वजह से आप फाइनलिस्ट में नहीं आ पाए? सर, गलती तो एज सच मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हुई था कि बिकॉज मेरे पास टाइम कम था तो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जो थोड़े से अनइम्पॉर्टेंट टाइप होते हैं वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, जिससे एक हॉलिस्टिक जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी मेरी. इस कारण मेरे जो प्रीलिम्स में थोड़े से कम मार्क्स थे और मेरे इंटरव्यू में भी बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़े से कम मार्क्स रह गए. मेंस मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और मेरे उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, तो प्रीलिम्स के वजह से मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था. तो इस बार मैंने यही सोचा कि इसमें ऐसा है इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम ज्यादा फोकस देके पढ़ सकते हैं या कोई ऐसा टॉपिक जिसको हम छोड़ सकते हैं? मतलब आपके हिसाब से है कि हमें सबको इक्वल टाइम देके या इक्वल इम्पोर्टेंस देके पढ़ना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको लगभग मतलब सारे ही सब्जेक्ट करने चाहिए, लगभग नहीं सारे सब्जेक्ट करने चाहिए. ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर 5-6 सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे रिविजन में, लेकिन एक बार को दो क्योंकि वो सब्जेक्ट की लेंथ इतनी बड़ी है. जी सर, लेकिन कुछ सब्जेक्ट से बहुत छोटे होते हैं, डॉक एंड हार्बल, उसको आपको कम से कम एक बार दो बार तो पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन आए ऑप्शन देखे तो आप कम से कम उसको अप्रोच तो कर सको. ऐसा नहीं कि वो पूरे से पूरे ही हवा से मतलब बिल्कुल ही नहीं आप बिल्कुल कर सको उसको, तो एक दो बार हर सब्जेक्ट का रिविजन करना जरूरी होता है मेरे हिसाब से. ओके, अच्छा आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन में डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को अपीयर करना है ESE के लिए? सर, ज्यादातर लोग कॉलेज में जो IIT में है ना कोडिंग करने लगते हैं, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने फिर थर्ड ईयर में मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में पता चला, मैंने उसके बारे में थोड़ा देखा और मुझे लगा कि मैं इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकूंगा और ये मेरे टाइप का भी एग्जाम है, तो मैंने उस टाइम से फिर डिसाइड कर लिया था. मतलब कॉलेज से ही आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया था इस एग्जाम के लिए? यस यस सर. ओके, अभी जैसे 2-3 महीने बाद ही वापस एग्जाम है, प्रीलिम्स होने वाला है, गेट का भी पेपर है, इन आखिरी के 2-2.5 महीनों में आप क्या सजेशन देना चाहोगे बाकी एस्पिरेंट्स को कि इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें? अभी जैसे 2-2.5 महीने है तो जो भी 1-1.5 महीने तो जो भी बाकी सब्जेक्ट बचे उस पर ध्यान देना चाहिए.
और लास्ट के 1 महीने में सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको है ना ढंग से रिवाइज करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज से पहले मेरे हिसाब से PYQ है ना करने चाहिए। PYQ ही बहुत बड़ा एक है ना टेस्ट सीरीज टाइप ही है ना। और पहले के PYQ और ज़्यादा अच्छे होते थे, अभी कंपेरेटिवली इजियर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने अगर वो भी कर ली और आपने थ्योरी पूरी ढंग से कर ली तब भी आप एक अच्छा स्कोर है ना हासिल कर सकोगे। मैंने इस बार के उसमें थ्योरी और PYQ पे ध्यान दिया था, मेरा अच्छा स्कोर आया था, तो इससे अच्छा स्कोर आ सकता है इस स्टडी अच्छा में से। मतलब सफिशियंट हम क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करें लास्ट टाइम पे तो हाँ एक अच्छा स्कोर हम गैदर कर सकते हैं वहाँ पे। जी कि सर, आपने जैसे बताया कि 7 से 8 महीने सफिशियंट टाइम होता है तैयारी के लिए, आप थोड़ा बाकी स्टूडेंट्स को बता पाएंगे क्या आपका टाइम टेबल होता था, शेड्यूल क्या होता था, आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे? कुछ टाइम कोचिंग को जाता था और जो बाकी टाइम था वो मैं PYQ पे है ना ध्यान देता था। मतलब 1-1.5 घंटे है ना रिवीजन कर लिया। पहले मैं प्री की है ना जो क्वेश्चन लगाता था स्पीड से लगाता था, ऐसे नहीं कि आराम आराम से करें, जितना जैसे है ना मैं नॉर्मल एग्जाम में करता वैसे है ना लगाने की कोशिश करता था। फिर मैं कोशिश करता था कि मेंस की भी कन्वेंशनल टाइप के भी 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट हर टॉपिक के कर लिए जाए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन से बहुत फायदा होता है। आपका आपको फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, आपको थ्योरी भी है ना कंप्लीट हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपका पूरा एक बार का टॉपिक रिविजन हो जाता है। तो मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स के टाइम पे भी अगर आप लगा लें 2-3, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी बुक लेके बैठ जाएं, लेकिन 2-3 अगर आप लगा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ओके। और रिवीजन का क्या पैटर्न आपके हिसाब से मतलब सबसे सूट करता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर अगर मैं पहले अटेम्प्ट की बात करूं तो जो है ना कुछ सब्जेक्ट हम है ना ऐसे रख सकते हैं, जैसे 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एनवायरनमेंट हो गया, सोम तो तब भी छोटा सब्जेक्ट है, आप उसको कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा दिमाग थोड़ा वैसा वाला सब्जेक्ट है। लेकिन एनवायरनमेंट हो गया, फ्लूइड हो गया, और ये दो दो तीन सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगते हैं, स्पेशली मुझे तो मांगे थे। एनवायरनमेंट एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट लगता था मुझे, क्योंकि उसमें ना सिर्फ न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी है, भी बहुत ज्यादा है। और दो बेसिकली दो सब्जेक्ट पार्ट में बटा हुआ है, वेस्ट वाटर और नॉर्मल वाले में। बिल्कुल तो इसलिए मेरे को उसमें मैंने कम सबसे ज्यादा उस पे है ना रिवीजन पे ध्यान दिया था। तो ऐसे आप बांट सकते हैं कि सोम 2 रिवीजन में हो सकता है, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेसिकली, उसमें स्ट्रक्चर भी वैसे ही सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है। अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग रख ली उस सब्जेक्ट की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली स्ट्रक्चर में। वैसे अगर हाँ आरसीसी में भी रिविजन की जरूरत पड़ती है आरसीसी में, क्योंकि प्रीलिम्स में क्राइटेरिया पूछे जाते हैं, क्राइटेरिया बोलने की चीज होती है, तो वो है ना आप उसको दे सकते हैं ज्यादा टाइम रिवीजन में। स्टील का शुरू का पोर्शन इजी होता है, लेकिन लास्ट का पोर्शन लोग छोड़ देते हैं, तो अगर आप पूरा सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो उसमें भी रिविजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे आप सब्जेक्ट बिल्कुल वाइज ला सकते हैं। रेलवे बहुत छोटा सब्जेक्ट है, रेलवे में आप अगर एक बार दो बार भी रिवाइज करें, जैसे एयरपोर्ट और हार्ट डॉक एंड हार्बन भी ऐसे बिल्कुल सब्जेक्ट है। OCF भी एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, OCF में है ना आप अगर एक बार समझ गए फ्लूइड अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो OCF भी छोटा सब्जेक्ट है, वो भी हो जाएगा। तो ऐसे आप सब्जेक्ट के क्राइटेरिया में बांट सकते हैं कि ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें मेरे को ज्यादा टाइम लेना है, कुछ सब्जेक्ट इजीली हो जाएंगे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, आप रिवीजन के लिए खुद के नोट्स फॉलो करते थे या शॉर्ट नोट्स बनाते थे या जो नॉर्मल हमारे नोट्स होते हैं वही? सर मैं शॉर्ट नोट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, ज्यादातर टॉपर्स बोलते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं रखा। बिकॉज अब है ना ऐसी स्ट्रेटेजी, अब है ना इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि वैसे भी मैंने जितना ज़्यादातर नोट्स शॉर्ट नोट्स देखे वो मेन नोट्स ही होते हैं, वो बस छोटे छोटे बिल्कुल उसमें रख दिए जाते हैं। तो मैंने अपने ढंग से नोट्स बनाए थे और मैं कोशिश करता था कि मेरे को हर पेज पे क्या लिखा है मेरे को है ना पता होना चाहिए। मैंने इतनी बार रिवाइज कर ली थी हर चीज़, हर सब्जेक्ट सेकेंड है ना अटेम्प्ट में खासकर, कि मेरे को सब कुछ ऑलमोस्ट ऐसा था कि हाँ मेरे को पता था। और उसी अप्रोच से आप प्रीलिम्स में भी अच्छे, तभी आप प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, बिल्कुल फंसा फंसा के 204 रोटी को 200/√T कर दिया गया और उसका आंसर कुछ और ही था, 130/√T। तो अगर आपने छोड़ दिया वो, आपने शॉर्ट नोट्स में छोड़ दिया तो आप गलत कर देंगे वो बहुत। अब की बार का बिल्कुल पेपर ईजी लग रहा था लेकिन था नहीं, अब की बार का पेपर बहुत वैसा था कि गलत करने मतलब नेगेटिव में हो सकता था, तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा सब्जेक्ट में, शॉर्ट नोट से काम नहीं चलता कई बार। मतलब इन डिटेल आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्जाम को अच्छी तरीके से या अच्छे रैंक से क्लियर करने के लिए। यस सर, अच्छा, आप ये बता सकते हैं बाकी एस्पिरेंट्स को कि कौन कौन सी चीजें बहुत कॉमन है
कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलती कर देते हैं या ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिस हो जाता है एग्जाम से पहले, उस चीज को मिस नहीं करें ताकि जो अभी एस्पिरेंट्स आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके दिमाग में ये चीज बनी रहे। सर मेरे हिसाब से पहले से प्री डिटरमाइंड नोशन बना के नहीं चलना चाहिए किसी भी एग्जाम में, जैसे खासकर जीएस के एग्जाम में। आप जीएस के एग्जाम में ऐसा डिसाइड नहीं करके चल सकते कि 80 क्वेश्चन ही करने या 90 क्वेश्चन ही करने। आपको वो एग्जाम के टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस माई मेंटली आपको है ना तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अब की बार का एग्जाम में मैथ्स और एपटी हार्ड आ गया था और लोग है ना वही पढ़ के जाते हैं, तो अगर किसी ने पहले से समझ वो रख के गया कि मेरे को तो मैथ्स और एपटी ही करना है तो फंस जाएगा उस एग्जाम में। तो आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर, मतलब उस एग्जाम के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी उसी 5 से 10 मिनट में जल्दी से कर देनी कि यार ये एग्जाम हार्ड है तो अगर मैं उसमें कम अटेम्प्ट में रखूंगा तो चलेगा, अगर आपके एग्जाम इजी है तो मुझे ज्यादा अटेम्प्ट रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अच्छा स्कोर लाना है, बाकी भी लाएंगे मेरे को भी लाना है। तो ये पहली चीज है ना ध्यान में रखनी चाहिए हर ना स्टूडेंट को, सोच के नहीं चलना चाहिए। सेकेंडली मेंस की टेस्ट सीरीज में है ना मतलब वो मस्ट है, जैसे आप प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज अगर मिस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पीवाईक्यू से काम चल जाता है। मेंस की टेस्ट सीरीज तो है ना कम से कम जितने भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, अगर आप थ्योरी अगर 2% कम भी पढ़ रहे हो है ना टेस्ट सीरीज में वो कवर हो जाती है। टेस्ट सीरीज है ना बहुत ज्यादा देनी चाहिए, लोग शायद टेस्ट सीरीज डर जाते हैं कि यार मेरे 130 ही आ रहे हैं 140 ही आ रहे हैं, तो छोड़ो अपन है ना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लास्ट में काम नहीं आता है, वो आपको टेस्ट सीरीज ही काम में आएगी लास्ट में। और टेस्ट सीरीज का नंबर पे इतना ध्यान नहीं देना है ना रैंक पे इतना ध्यान देना है, जो रैंकर्स टेस्ट सीरीज के होते हैं बिल्कुल वो अक्सर नहीं दिखते ना मेन रैंक लिस्ट में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप खुद से है ना सच्चाई में मतलब ढंग से दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर टारगेट बना के चलना है। मार्क्स का टारगेट रखना चाहो तो रख लो, लेकिन ये टारगेट बना के रखना है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, अगर मेरे 210 आ रहे हैं तो 225 लाने हैं अगली बार, ये टारगेट बना के रखना है। और हर एग्जाम में ऐसे कि मैं ऐसे नहीं कि आप एक में है ना 140 पे आ गए और दूसरे में 220 पे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के चलनी है, क्योंकि मेन एग्जाम में फिर यही होगा कि एक में खराब आ जाएंगे एक में अच्छा आ जाएंगे, तो वो फायदा नहीं उस चीज का। फाइनल तो अगर आपके सिलेक्शन ही निकल पाता है। एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं आपके 200 भी आ रहे हैं दोनों में तो वो भी चलेगा, लेकिन यही नहीं कि एक में बहुत कम आ गए एक में बढ़िया आ रहे हैं तो वो ज्यादा फायदा नहीं करता है। तो ये सब चीजें हैं जो ओके, तो मतलब आपकी अप्रोच यही रही थी जो भी आपने प्रिपरेशन करी थी उसके टाइम पे। जी सर ओके, काफी एस्पिरेंट्स का एक ये भी डाउट रहता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज करें प्रिपरेशन के लिए, कि हम टेक्स्ट बुक फॉलो करें स्टैंडर्ड, या नोट्स फॉलो करें, या कोई और कंटेंट फॉलो करें। और आज के टाइम पे तो इतना कंटेंट अवेलेबल है कि ये अगर हम प्रिसाइसली चूज नहीं करें इस चीज को, तो ये मतलब आपकी प्रिपरेशन को पीछे भी ला सकता है। तो जी सर आपके हिसाब से जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है या हमारे नोट्स है, उसके अलावा और क्या फॉलो करना चाहिए? सर इसके मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भी आपको बहुत टाइम ले लेती है। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल है आप थर्ड ईयर से चालू कर रहे हैं तो कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी तरह आप 8-9 महीने लेके चल रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे जाने का, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी, मैंने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने की कोशिश करी थी, लिखा है वही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में लिखा होता है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही है ना करना है तो अलग बात है, नोट से काम बन जाता है और है ना क्वेश्चन करो पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज लगाओ, इससे ज्यादा इतना भी कर लिया ढंग से तो अच्छा मार्क्स आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में टाइम बहुत लगता है, हालांकि अगर किसी को बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो वो जा सकता है, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए किसी का, लेकिन शुरू में नोट्स पे ही जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट में फाइनल एक कोई टिप देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि कैसे वो टॉप रैंक ला सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में? सर मेरे हिसाब से हर ईएससी एक एग्जा एग्जाम है जिसमें हर स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आप हर स्टेज को लास्ट स्टेज समझ के ही दो। जैसे मैंने हर स्टेज पे एक है ना टारगेट सेट करके रखा था कि प्रीलिम्स में इतने लाने, मेंस में इतने लाने और इंटरव्यू में इतने लाने। अगर आप एक भी है ना स्टेज को हल्के में ले लोगे तो क्या पता दूसरा स्टेज जो आपको है ना लग रहा हो मेरा मेन पॉइंट है उसमें कम मार्क्स आ जाए। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम में यही गलती करी थी, बेसिकली मैंने प्रीलिम्स को हल्के में ले लिया था और मेरा इंटरव्यू भी खराब चला गया फिर, और मेरा फाइनल सिलेक्शन 15-16 मार्क्स से रह गया था, तो रह गया था। यही गलती हो जाती है। तो सारे स्टेजेस को इंटरव्यू चलो हाथ में इतना नहीं होता, लेकिन आप प्री और मेंस को इतना ज्यादा है ना ला दें, इतना ज्यादा नंबर ले आए कि अगर इंटरव्यू में 10-15 मार्क्स कम भी आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए एटलीस्ट। तो प्रीलिम्स का जो
दोनों जीएस भी लोग ज्यादा खासकर जीएस छोड़ देते हैं। जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आजकल, खासकर 80% मार्क, 80+ मार्क्स तो आने चाहिए अगर आपको सही है ना रैंक लानी। और क्या कहते हैं, दोनों मेंस के पेपर दोनों पे है ना फोकस रखना चाहिए। इंटरव्यू भी तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन उसमें हाथ में नहीं होती ज्यादा चीजें, लेकिन तैयारी करके जाना है, आपको सारा का सारा पता होना चाहिए अपने बारे में। तो यही चीज है इंटरव्यू में भी हम काफी सारी चीजें गाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से जी सर। कि किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाए। जी सर ओके, सो काफी सारी आपने इंटरेस्टिंग चीजें बताई लर्नर्स को, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो अगर वो ध्यान रखते हैं तो वो भी एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो आई होप जो भी एस्पिरेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे वो इन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, और अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं आने वाले टाइम में उसको एक अच्छी रैंक से क्रैक करेंगे। सो अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट ऑन हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू आदित्य। Unacademy. Let's crack it.